हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि चैप्टर नंबर 9 लॉस ऑफ मोशन, मतलब मैंने बताया था तुम्हें कि मोशन जो चैप्टर है उसी का ये पार्ट हेलो टू है। ठीक जी सर, बोलिए है, एक टुकड़ा। अपन म्यूट कर लेना है, जब कुछ पूछना हो तो फिर, या फिर मैं पूछूं बैठो, 7.5 रुपये तो। शायद। ओके, तो चलिए, तो मैंने जैसे बताया था कि ये लॉग ऑफ मोशन जो चैप्टर है, ये मोशन चैप्टर का ही पार्ट टू है, बताया था। ओके, तो इसमें करना क्या है अपने को, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ना है, सेकंड लॉ पढ़ना है, थर्ड लॉ पढ़ना है, तीन लॉ है न्यूटन्स के, वो पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है तीनों स्टेटमेंट और तीनों फॉर्मूला, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं तो वो छोड़ देंगे। मास, वेट और मोमेंटम, ये तीन चीजें पढ़नी है और अपना न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा। बस तीन और तीन छह चीजें पढ़नी है, बेसिकली छह ही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो यहाँ न्यूमेरिकल के काम आएगा। तो चलिए देखते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन कितने लॉ हैं? तीन। कितना लॉ है? तीन। तो पहला लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझिए। फैसल और निशाद नहीं आए हैं क्योंकि उन लोगों ने पढ़ लिया है, ये चीजें वो लोग पढ़ चुके हैं। एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ। फैसल अभी तो आया ही नहीं है ना, अफान आया है सिर्फ, फैसल नहीं आया। मैसेज कर दो, बस मैसेज करो उसे कि भाई साहब कहाँ रह गए। तीन लॉ है, जल्दी करो। तो लॉस लॉस ऑफ मोशन, एक से ज्यादा लॉ मतलब तीन लॉ है, इसीलिए एस लगा हुआ है यहाँ, वो तो हम समझते हैं। लॉज ऑफ मोशन, तीन लॉ है हमारे पास। पहला लॉ, देखो लॉ को समझना, बहुत अच्छी तरह से समझना, तभी जाकर के इसमें न्यूमेरिकल या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा मेन पर्पस है वो बन पाएगा, ठीक है। और बाकी मास और वेट तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। अरे पिछले 2-3 दिन पहले ही तुम लोगों ने सवाल पूछा था मास और वेट क्या होता है, तो वो दोबारा बता जी, दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलो। हम ही तो सवाल पूछे थे सर। हाँ, तुम ही सवाल पूछे थे कि मास और वेट क्या होता है, तो वही इस चैप्टर में पढ़ना भी है, लॉ ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में ये पढ़ना है। और तीसरा मोमेंटम, तो मोमेंटम सेकेंड लॉ जब पढ़ेंगे तो उससे पहले मोमेंटम हम लोग पढ़ लेंगे, तो वो समाप्त, वो भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लॉज ऑफ मोशन पहला लॉ क्या कहता है, न्यूटन साहब का पहला लॉ क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का ये लॉ है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना, फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई चीज रुकी हुई है, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक के कोई बाहरी फोर्स उस पर काम ना करे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट विल कंटिन्यू मूविंग और इन द रेस्ट विल बी कंटिन्यूड रेस्ट until an external force is applied on it। जब तक एक बॉडी रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, उस वक्त तक रुकी रहेगी, अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक के उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना हो। बात समझ में आ रही है? पहले भी हम लोग ये सवाल का जवाब ढूंढ चुके हैं कि एक बॉल को अगर हम फेंकेंगे तो वो एक मैंने दे दिया फोर्स और ये चलना शुरू किया, बॉल कुछ दूर जा करके रुक जाता है ना। हम लोगों ने इस सवाल का चर्चा किया था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो कहता है कि जब तक कोई चीज चलती है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर काम ना करे। तो अगर ये बॉल चल रही है, बॉल को हमने फेंका और बॉल चल रही है, तो वो अपने आप कैसे रुक रही है? तो हमने देखा था कि नहीं, इस पे एक फोर्स लगता है जिसका नाम है फ्रिक्शन और एक लगता है जिसका नाम है ग्रेविटी, देखा था बस। तो फिर इसी वजह से ये रुक जाती है। तो जब तक के उस पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता है तब तक वो वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी और चलती है तो, यही है फर्स्ट लॉ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अरे फर्स्ट लॉ समझ में आया? जी सर, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ पे, फर्स्ट लॉ इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसी को, अच्छा, इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो कहीं पर लॉ ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ मिल जाए तो घबराना मत। पहले लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड लॉ। व्हाट इज सेकेंड लॉ?
व्हाट इज सेकंड लॉ, देखते हैं। सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा मोमेंटम वगैरह का वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, मोमेंटम क्या होता है वो समझ लेते हैं, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखेंगे और यही हमारा क्या होएगा, फोर्स के बराबर होएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, उसके पहले हम लोग थोड़ा मोमेंटम देखते हैं कि मोमेंटम किसे कहते हैं, क्या होता है मोमेंटम, ये बताता क्या है बेसिकली। ये मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहते हैं, ओके, हिंदी में संवेग कहते हैं मोमेंटम। क्या होता है ये देखिए, पी से डिनोट करते हैं इसको, मास और वेलोसिटी का रेशियो होता है, मास और वेलोसिटी का रेशियो होता है। इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन पहले इसे समझो कि ये सिर्फ ये इतना समझना है हमें कि ये बताता क्या है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, मोमेंटम जो होता है इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम जो इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ किया जाता है कि दो बॉडी आपस में टकराए, ठीक है, खेलते हुए खिलाड़ी भी आपस में टकराते हैं, बॉडी दो होती है वो भी आपस में टकराती हैं, दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, देखा होगा। तो मान लो एक हमारी साइकिल थी और एक जो है हमारी कार थी, मान लो, ठीक है, कार थी और आके दोनों टकरा गए, ये स्टेयरिंग है कार की, ये पीछे, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसे आ रहा है, ये इधर जा रहा है, मान लो दोनों का टक्कर हो गया। जाहिर सी बात है कार चल रही होगी, कार की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी साइकिल की स्पीड के मुकाबले, बोले आया ना। टकराने के बाद, टकराएगी जब, तो टकराने के बाद इसने ब्रेक मारना चाहा, ब्रेक मारते 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 फिर भी टकरा गए, समझ लो टकरा गए। टकराने के बाद क्या होगा, क्या साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, हाँ या ना, टकराने के बाद साइकिल फेंका जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी ना, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, डायरेक्शन किधर है मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो क्या होता क्या है, ध्यान से समझो, जो हाई स्पीड में गाड़ी चल रही होती है वो लो स्पीड को अपनी थोड़ी सी एनर्जी दे देती है, समझ रहे हो बात को। तो क्या होता है कि टकराने से पहले इसका अपना मास होगा और इसका अपना वेलोसिटी होगा, और टकराने के बाद, टकराने से पहले इसका भी अपना मास होगा, इसका भी अपना, इसकी भी अपनी वेलोसिटी होगी। तो हम इसको M1 कह लेते हैं मान लो, इसको V1 कह लेते हैं मान लो, इसको M2 कह लेते हैं, इसको V2 कह लेते हैं मान लो, है ना। तो टकराने से पहले जो स्पीड जिसकी जिसकी कम होती है, टकराने के बाद उसकी ज्यादा हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और टकराने से पहले जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है उसकी कम हो जाती है, जिसकी कम होती है उसकी ज्यादा हो जाती है, बोलो हाँ, ऐसा होता है नहीं होता है। एक मजबूत आदमी एक कमजोर आदमी को टकरा दो तो कमजोर गिर जाएगा, थोड़ा और उधर होकर के गिर जाएगा, मजबूत बेचारा थोड़ा कोशिश करेगा, जितनी तेज में आ रहा है उससे थोड़ा धीरा हो जाएगा, होता है ना ऐसा। तो ज्यादा तेज में चल रही हुई गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है, और कम तेज में चल रही गाड़ी, अगर अगर एक एक गाड़ी चल रही है और दूसरी गाड़ी भी चल रही है और दोनों सेम डायरेक्शन में भी अगर जा रहे हैं तो टक्कर मारेगा, तो जो जिसकी रफ्तार तेज है, जिसने टक्कर मारी है, उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, और लेकिन जो आगे चल रही है जिसकी रफ्तार स्लो है उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जब आ रहा था इसने अपनी सी थोड़ी सी एनर्जी इसको दे दी कि ले भाई तू भी ले ले, आगे बढ़ जा। तो होता क्या है इसको समझिए, तो मोमेंटम जो होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये सिर्फ इतना डिनोट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ये होता है अपना मोमेंटम, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हो। टकराने में इसमें न्यूमेरिकल इसलिए मैं बता रहा हूं, ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आएगा बनाने, ठीक है। तो इसमें जो बता रहा हूं मैं, इसको समझो, टकराने से पहले की बॉडी का मोमेंटम, इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा अपना टकराने से पहले, इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा टकराने से पहले, इसका इस और टकराने के बाद इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है। टकराने से पहले हम मान लेते हैं कि इसकी इसका मास M1 है, मास M2 है, तो मास तो वही रहेगा। टकराने से पहले मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी U1 थी, और टकराने से पहले इसकी मान लेते हैं U2 थी, टकराने के बाद इसकी मान लेते हैं V1 हो गई और इसकी हो गई V2।
तो मोमेंटम का लॉ ये मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ क्या कहता है कि टकराने से पहले का जो मोमेंटम है वो टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम आएगा, मोमेंटम यानी मास और वेलोसिटी। तो टकराने से पहले क्या था, टकराने से पहले यू वन था और यू टू था, टकराने के बाद वी वन हो गया और वी टू हो गया। समझ रहे हो, तो टकराने से पहले जो मोमेंटम इसका होगा वो होगा मास ऑफ फर्स्ट वाला इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वाला, प्लस टकराने से पहले इसका मास m2 और u2 इज इक्वल टू, ये टकराने से पहले का है। टकराने के बाद मास तो नहीं बदलेगा लेकिन वेलोसिटी तो बदल जाएगी, ये v1 हो जाएगा, ये भी मास तो नहीं बदलेगा लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगी, v2 हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे, ये होता है मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम टकराने से पहले इस इक्वल टू टकराने के बाद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो सेकेंड लॉ, अब सेकेंड लॉ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, क्या कहता है ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है ना वही फोर्स के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज, तो सबसे पहले मोमेंटम हमने पी कहा था, तो पी में चेंज, चेंज का मतलब पी टू माइनस पी वन कह लो, चेंज मतलब यही होगा ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब टकराने से पहले टकराने के बाद कुछ तो मोमेंटम चेंज आया है ना, एक बॉडी में, एक पार्टिकुलर बॉडी में कोई चेंज आया होगा, तो इसके चेंज रेट मैंने बताया था तुम लोगों को कि रेट जब भी हम पढ़ेंगे तो अभी फिलहाल टाइम के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, तो इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट लगाया मैंने, टाइम लगा दिया तो रेट लगा दिया, डेल्टा लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हम रेट हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे मोशन चैप्टर में। अभी तक हम लोग देखते हैं ना, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, तो मोमेंटम का रेट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज के लिए मैंने डेल लगा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो एक पार्टिकुलर बॉडी की अगर देखेंगे तो एक आया फाइनल मोमेंटम दिस, इनिशियल मोमेंटम दिस, तो डेल पी इज इक्वल टू लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, और टी तो टी ही रहेगा, कुछ ना कुछ टाइम होगा, कुछ ना कुछ टाइम होगा। यही कहता है सेकेंड लॉ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं, ये सेकेंड लॉ कहता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम फोर्स कहते हैं, ये सेकेंड लॉ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। क्या मतलब हुआ, मतलब एक सेकेंड में या एक मिनट में या एक घंटा में या एक दिन में, एक महीना में, एक साल में, एक यूनिट टाइम होता है मैंने बोला था, तो एक सेकेंड में या एक मिनट में या एक घंटे में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स। यही कहता है सेकेंड लॉ, समझ रहे हो। तो रेट मैंने बताया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, दैट इज मोमेंटम में एक यूनिट टाइम में मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे, सेकेंड लॉ है ये। एक सेकेंड में, एक मिनट में, एक घंटे में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी को हम लोग सेकेंड लॉ कहते हैं, उसी को फोर्स कहते हैं, वही सेकेंड लॉ कहता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एंड दैट इज सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं, तो देखो यहां मास है, यहां मास है, फोर्स कहते हैं ना इसको, तो यहां मास है, दोनों जगह मास है, एफ इज इक्वल टू मास कॉमन ले लिया, यहां बचेगा वी, यहां बचेगा यू, डिवाइडेड बाई टी, बोलो आया ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, एफ इज इक्वल टू ये मास हो गया वी माइनस यू बाई टी। अब ध्यान से देखिए, यही फॉर्मूला हमारा, ये इतना फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू विद रिस्पेक्ट टू टी। एक्सेलरेशन मैंने बताया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ, बताया था वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इतना की जगह पर हम ए लिख सकते हैं,
यानी एक्सेलरेशन, तो इतना की जगह पर जब ए लिख देंगे तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला, एम इंटू ए। और ये फॉर्मूला हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला कहां से आता है, सेकेंड लॉ से आता है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। समझ गए बात को, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताओ, बताओ यार, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है फानिया, कोई दिक्कत है फसल, तुम तो दोबारा पढ़ रहे हो। नहीं दिक्कत, नहीं दिक्कत। न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ लिया था, थर्ड लॉ देखो अब, बड़ा आसान आसान लॉ है यार, थर्ड लॉ तो कुछ है ही नहीं। जितना जोर से मारोगे उतना जोर से चोट लगेगी, जितनी जोर से थप्पड़ मारोगे उतनी जोर से तुम्हारे हाथ को चोट लगेगी, यही है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ बोलो सर। जैसे बॉल फेंकते हैं दीवार पर, हाँ जैसे बॉल फेंकते हैं दीवार पर, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, समान और विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सारे के सारे जितने भी हम क्रिया करते हैं उसके समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और ये तीनों लॉ समाप्त हो चुके, जो एक्स्ट्रा थिंग्स है वो मैं बता देता हूं और ये चैप्टर खलास, ठीक है। अरे बोलो आया ना, दिक्कत ही नहीं, मैंने तुम्हें बोला था कि ये पिछले ही चैप्टर का जो एक्सटेंशन है, ये चैप्टर अलग से फालतू में बनाया है, ठीक है। चलिए तो तीन चीजें और, मैं बल्कि दो चीजें और, बाकी तो मैं चीजें मोमेंटम अभी बता दिया मैंने, अब तीन चीजें और पढ़ना है, मास वेट और मोमेंटम। तो मास और वेट भी मैं बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, बल्कि तिबारा चौबारा बता रहा हूं, और मोमेंटम जो मैं अभी बता चुका। तो मास और वेट क्या होता है, और ये चैप्टर खत्म, और दो तीन न्यूमेरिकल करेंगे और ऑब्जेक्टिव करके खत्म करेंगे, आज के आज खत्म करना है इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि 10-11 ऑब्जेक्टिव है, दो तीन न्यूमेरिकल है, 10-11 ऑब्जेक्टिव है, इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं, है ना। मास और वेट देखिए ध्यान से, मास मैं बता चुका हूं, मास क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने पार्टिकल कंसंट्रेटेड है वो मास कहलाता है। इसी को विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी अगर कर देंगे तो वेट हो जाता है, ये मैं बता चुका हूं यार, डिटेल में बता चुका हूं। मास जो कंसंट्रेटेड है, जो कंसंट्रेटेड है किसी भी बॉडी के अंदर, पार्टिकल कंसंट्रेशन है उसी को कहते हैं मास। जितने भी पार्टिकल है उसके अंदर, जो भी उसका होगा उसको मास कहते हैं, विदाउट ग्रेविटी होता है। इसी में अगर ग्रेविटी मिला देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, वेट। बोलो आया ना, ये मैं बता चुका हूं। अफान कहां चले गए, बात समझ में आई नहीं आई? आ गई सर, फोन कहां चले गए? जितना पार्टिकल कंसंट्रेशन है, जितना पार्टिकल कंसंट्रेशन है वो मास कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ये मास कहलाता है। और इसी को ग्रेविटी के साथ अगर तोल लेंगे तो उसी को वेट कहते हैं। बोलो आया ना? जी सर, जी सर, ठीक है। अच्छा एक एक चीज और मैंने तुम लोगों को बताई कि नहीं बताई, हम लोग सिर्फ ग्रेविटी में ना, ग्रेविटी में सिर्फ क्या पढ़े थे, ग्रेविटेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था क्या, चांद पर जो है अपना वेट कितना हो जाता है? नहीं सर, नहीं सर, 9.81 जमीन का ग्रेविटी है यार, हम चांद की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहा हूँ, चांद बोल रहे हैं। नहीं पढ़ा है ना, ठीक है। हम लोगों को सीजी पढ़ना था ना, सिर्फ ग्रेविटेशन नहीं पढ़ना था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना था, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ना था, इसीलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे जो है किसी दिन ऐसे ही बकैती करेंगे तो उसमें देख लेंगे इंशाल्लाह। बता सर, अभी बता सर, अभी बता दीजिए, ठीक रहेगा, बाद में याददाश्त निकल जाए, हमको याद है क्या क्या करना है। सर याद है तो अच्छी बात है। चलिए अब देखिए एक और बात ये देख लीजिए, न्यूमेरिकल आपका आएगा लिफ्टिंग पर, न्यूमेरिकल आएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, नीचे जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर जाने वाला फोर्स। बोलिए आया ना, नीचे वेट आता है और इसी के ऊपर इसका रिएक्शन होता है, जिसको हम टेंशन कह रहे थे, याद है, तो इसमें न्यूमेरिकल आएगा इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है। ये चैप्टर जो है हो चुका डन,